हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्माहर्ट्स में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीटोकोनाजोल टैबलेट्स के बारे में, जो कि 200 एमजी की टैबलेट में अवेलेबल होती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कीटोकोनाजोल के बारे में कि ये होती क्या है, कैसे काम करती है एंड कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट, इसके स्पेशल प्रिकॉशंस, जो बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और लास्ट में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इसके डोज़ के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कीटोकोनाजोल टैबलेट्स के बारे में। दोस्तों, एक्चुअली कीटोकोनाजोल एक प्रकार का एंटी फंगल मेडिसिन होती है, यानी कि ऐसी मेडिसिन होती है जो फंगस को नष्ट करती है, डिस्ट्रॉय करती है। यानी आपके बॉडी पे जो कवक पनपते हैं, जो दाँत खाज खुजली उत्पन्न करते हैं, यानी कि आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि कीटोकोनाजोल दाँत खाज खुजली की एक टैबलेट होती है, जो कि अलग अलग प्रकार के फंगस इन्फेक्शन में दी जाती है। अगर हम लोग यूजेस में बात करेंगे इसकी, एंड कीटोकोनाजोल के काम करने के तरीके की अगर मैं बात करूं, तो ये हमारे बॉडी के अंदर जो फंगस है, हमारे बॉडी के ऊपर जो फंगस हो रहे होते हैं, उनकी सेल की ग्रोथ को रोक देता है, उनके सेल मेम्ब्रेन को ख़त्म करके। यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे फंगस पनप नहीं पाते हैं और हमें बीमार नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, अगर बात करें तो कीटोकोनाजोल की बहुत सारी ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं, पर आपको जो भी आसानी से मिलती है आप ले सकते हैं। जैसे ये किटाजोल के नाम से आती है। इसके अलावा निजराल, कीटोमैक, कीवोन, किंज एंड इसके अलावा बहुत सारी इसकी ब्रांड्स होती हैं जो कि अवेलेबल होती है मार्केट में। आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं जो भी आपको आसानी से मिल जाती है। अगर वो कीटोकोनाजोल 200 mg है तो सेम इफ़ेक्ट होगा उसका। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसके यूज़र्स के बारे में कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, तो वैसे दोस्तों कीटोकोनाजोल टैबलेट अक्सर यूज़ की जाती है फॉर द सिस्टमिक इन्फेक्शन। यानी कि अगर आपके बॉडी के अंदर कोई फंगल इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है, जैसे सिस्टमिक कैंडिडियोसिस होता है। एंड इसके अलावा जितने भी सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन होते हैं वहाँ पर यह दिया जाता है। एंड दोस्तों, ये स्किन के एंड टॉपिकल फंगल इन्फेक्शन में भी यूज हो सकता है, लेकिन इसकी क्रीम ज़्यादातर यूज की जाती है। एंड इसको यूज करते हैं स्किन या टॉपिकल फंगल इन्फेक्शन में। बट होता क्या है ना कि ये इसके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादातर ये यूज़ किया नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट, सीरियस साइड इफ़ेक्ट होते हैं, आगे हम लोग देखेंगे उसके बारे में। तो इसका ज़्यादातर यूज़ हम लोग सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन में करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहाँ पे इसके स्पेशल प्रिकॉशंस के, कि किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप ये मेडिसिन ले रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो अगर आप किसी भी एंटी फंगल, जो जैसे आप कीटाकोनाजोल से ही अगर, या मान लीजिए फ्लूकोनाजोल या किसी से भी आप एलर्जिक हैं, तो आप कीटाकोनाजोल लेने से पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं या फिर आप इसको ना लें। इसके अलावा कभी भी इसकी डोज़ को आपको बढ़ाकर नहीं लेना है। दोस्तों, होता क्या है कि कई बार हम ज़्यादा टेबलेट एक साथ में खा लेते हैं ज़्यादा फायदे के लिए, पर उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं, उल्टे नुकसान होता है। तो कभी भी आपको प्रेस्क्राइब डोज़ को एक्सीड नहीं करना है, क्योंकि कीटाकोनाजोल के बहुत घातक दुष्परिणाम होंगे, आगे हम लोग देखेंगे साइड इफ़ेक्ट में। एंड इसको कभी OTC नहीं लेना है, यानी कि ओवर द काउंटर आपको नहीं लेना है, यानी कि अपने मन से आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के कीटाकोनाजोल टैबलेट्स आपको नहीं खानी है। एंड ये मेडिसिन प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं दी जाती है, इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एंटासिड ले रहे हैं, तो इस दवा को लेने के 2 घंटे के अंदर आपको कोई भी एंटासिड नहीं लेना है, नहीं तो इसका इफ़ेक्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। एंड तो बात हो गई ये कुछ हमारी स्पेशल प्रिकॉशंस की, कि बातों का ध्यान रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके बहुत सारे सीरियस साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं अगर आप लंबे समय तक इसको लेते हैं, एंड इस वजह से ज़्यादातर इसे यूज किया नहीं जाता है। एंड अगर मैं रेयरली होने वाले साइड इफ़ेक्ट की बात करूँ, तो नॉजिया वोमिटिंग हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, यानी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक हो सकता है, एंड आपको आपके लीवर फंक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन तब जब आप लंबे समय तक ये मेडिसिन लेते हो। एंड अगर लंबे समय तक लेते हो तो कीटोकोनाजोल एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से आपको गाइनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम हो सकती है। गाइनेकोमेस्टिया का मतलब होता है कि पुरुषों के अंदर
चेस्ट उनकी बाहर महिलाओं जैसे निकल आती है, है ना, तो उसको हम लोग गायनेकोमिस्ट्रिया बोलते हैं। तो लंबे समय तक लेने पे आपको ये दिखाई पड़ सकता है, एंड इसके अलावा वीकनेस हो सकती है आपको, एंड डिजीनेस भी देखने को मिलती है, एंड वेट लॉस की प्रॉब्लम आ सकती है। तो साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कॉमन से आपको देखने को मिलते हैं, इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट रेयर हैं जैसे नॉजिया, मेटिंग, स्टोमक पेन एंड हेडक। इसके अलावा वेट लॉस, डिजीनेस, वीकनेस, बाकी लंबे समय तक लेंगे तो लीवर और गायनेकोमिस्ट्रियल प्रॉब्लम आ सकती है आपको। नेक्स्ट और लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं कीटोकोनाजोल टैबलेट्स की डोज़ के बारे में, कि इसकी डोज़ हमको क्या लेनी चाहिए। तो वैसे ये एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों में दिया जाता है। तो एडल्ट की अगर मैं बात करूं तो 200 mg की टैबलेट आती है। वो टैबलेट आपको या तो दिन में, अगर सीरियस की मतलब केस आपका कैसा है उस हिसाब से, अगर बीमारी सीरियस है तो उस टाइम पे आपको ये BID दी जाती है, यानी कि आपको सुबह शाम दी जाती है, नहीं तो आपको ये OD दी जाती है, यानी आपको दिन में एक बार दी जाती है। जो एडल्ट है उनको 200 mg की टेबलेट दी जाती है दिन में एक बार या दो बार। ड्यूरेशन की बात करें तो 7 दिन से लेकर के कुछ महीनों तक ये मेडिसिन दी जा सकती है, 4 महीना 5 महीने 6 महीने तक ये दी जा सकती है, एंड जब तक ये आपका मतलब सीरियस इन्फेक्शन सही नहीं हो रहा है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन लंबे समय तक चलता है, तो इस तरह से आप लोग इसको दे सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में यूज़ नहीं करते हैं, 12 साल से कम के बच्चों में, एंड प्रेगनेंसी में आपको पहले बताया यूज़ नहीं करते हैं, तो लेकिन अगर बच्चों में दे रहे हैं तो रिड्यूस कर देते हैं डोज़ को और बच्चों को देते हैं 100 mg उनको दिया जाता है, 100 mg की टैबलेट होती है और या फिर आधी टैबलेट दी जाती है। एक्चुअली बच्चों को भी ये दिन में एक बार या दो बार दिया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया कीटोकोनाजोल टैबलेट्स के बारे में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हम इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।